हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पहुंचे हैं बद्दी, जहां पर हमारा क्रिकेट का कैंप है, जो फर्स्ट टाइम हिमाचल में इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग पहुंचे हैं बद्दी। यहां पे हमारा कैंप है और इसके बाद हमारे मैचेस हैं ऊना में। तो फिलहाल अभी हमारी पूरी टीम एक साथ बैठ कर रही है डिनर। ये हमारे बच्चन जी आज निक करने आपके बीच आ जाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे हीमोग्लोबिन, प्लीज आइए। केबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप कोई शो में आपके कैसा लगा? पहले इंट्रोडक्शन बहुत चक्कर आ रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है कि चक्कर आ रहे हैं। आपको वैसे मिलने का मौका मिला तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सेम मैंने सुना आप 2000 रुपए का दान करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको अवश्य देंगे जी, पर आपको उसमें पे करना होगा। जी बिल्कुल, 2001 रुपए का दान कीजिएगा। जी जी अच्छा बिल्कुल। तो फिर आज सबसे पहले हम इनसे सवाल शुरू करना चाहेंगे। तो पहला सवाल ये है कि आप जो ये इतनी बड़ी रुपए के लिए पैसे तो बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, 5 करोड़ का सवाल। 50,000 फिर बढ़ेंगे। नहीं, 5 करोड़ ये बड़ी बॉटल है ना, सब 5 लाख। 5 करोड़ का सवाल, ये इतनी बड़ी बॉटल क्यों कैरी करते हैं? पैसे कैरी करने का क्या राज? मैं ऑडियंस को लेना चाहूंगी। ये तो बजाओ, दुख तो नहीं, दुख तो नहीं, शांत। चलो अब हम ऑडियंस से पूछना चाहेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑडियंस है, ऑडियंस में आते हैं जो हमारा है सबसे बड़े हाली। अब क्या करना था? फ्रेंड करना था। फोन भी तेरी मिलाना पीछे वाले जाने लाने के लिए आसानी। अच्छा अच्छा, काफी मेरे पास मत आना, 3 बताती हूँ गलत है। ये तो भी परेशान है। ये थोड़े से केबीसी से बात कर रहे हैं, मैंने छोड़ी है। आपका आप और ज्यादा बात इन में से कोई नहीं। वेदांशी से पूछना चाहेंगे। वेदांशी जी, आपका क्या कहना है? शायद ये ज्यादा भारी भी उठा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा, मतलब आप टैग में खुश हो? चलो ठीक है, आपको बहुत प्यारी है, छोटी सी प्यारी और हाँ इजी टू कैरी है। चलो 5 करोड़ और ये बिल्कुल सही जवाब। 4.5 करोड़ टैक्स कटता है। टैक्स डिपार्टमेंट से मैं हूँ। 1 करोड़ पांडे जी मेरे अकाउंट में भेज देंगे। चलो आधा ले लेना, कोई बात नहीं, यूपीआई अभी मैं करूंगा भी, ऑनलाइन भेज दो, ऑनलाइन भेज। अब इमानी जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब सुबह आपको इंजेक्शन लगे, कितने इंजेक्शन लगे? इंजेक्शन तो 2 लगे, पता है कितने इंजेक्शन लगे? क्योंकि पहला इंजेक्शन लगाया था प्यार से, दूसरा लगाया था प्यार में। आपको बताया जाएगा, पहले में इमानी की आह नहीं थी, बहुत ही बढ़िया हमारा ये सेशन था। तो मैं इमानी जी से कहना चाहूँगी, आप एक और बार आए और अपना केबीसी को पूरा पूरा योगदान दे, और अपना जो भी इनका ये
ऐसे ही बढ़ा के वो जो आपका कैश प्राइस है कोई नहीं, अगर आपको टफ लग रहा है मैं रख लूंगी, कोई ऑनलाइन पेमेंट कोई नहीं, बस ये क्या चल रहा है थोड़ा ये जरा थोड़ा। अच्छा जब आप लोग फ्रिज ओपन करे थे क्या ओपन करे थे, जब फ्रिज ओपन करे थे तो क्या सोच के ओपन करे थे उसको? नहीं आइसिंग करने के लिए हमने फ्रिज ओपन किया पर उसमें से वो आइस नहीं निकल रही थी। शायद वो ज्यादा जम गई थी तो मैंने बन्नो जी को बुलाया कि मतलब आप मिस्त्री गलत ले गए किसी भाषा में कह सकते हैं कि मेरी हेल्प की जाए, ये तोड़ फोड़ ये तोड़ फोड़ में चली गई भाई बन्नो जी पूरा केबीसी लगाते हुए बन्नो जी गलत
क्या पता है इसका पजामा नीचे से फटा हो, देखिए अब मेरा मेन जो रीजन लगता है वो दादाजी का खौफ लगता है। दादाजी आए तो नीचे एक और क्या तो सर अपनी चिट्ठी टाके दिखाना चाहते हो। हाँ वैसे गोरी तो है दिखा सकते हैं। राज काफी बढ़िया जवाब। अब तक काफी फिटनेस थी। हाँ वाह वाह। अब आप आंसर बताइए क्या आंसर है। चार दिनों ने भी अब हम आप लोगों को भगाना चाहेंगे। चलो जो हो गए एक साइड आ जाएगी आप लोग। अब हम केबीसी में बुलाना चाहते हैं सरनेम क्या नेहा ठाकुर जी को। प्लीज आइए। नेहा जी सबसे पहले तो आपको केबीसी में बहुत बहुत स्वागत। कौन छोड़ दीजिए हम आप में क्या कहना चाहेंगे हम आपको। पहले तो सबसे पहले हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। पहला क्वेश्चन हम आपके हैं कौन। पहला क्वेश्चन आपके हैं कौन। आपके हैं कौन। माय बाप समझ रहे हो ना ना। आपके हैं कौन समझ रहे हो। सब हम समझ रहे हैं। रुको जरा सबर करो। लगता है ठाकुर जी को हमारा केबीसी में। अच्छा चलो छोड़ो। सबसे पहला तो ये है कि आपको केबीसी में आके कैसा लगा। इस हॉट सीट पे बैठ के कैसा लगा। ये भी हॉट है। इस हॉट सीट पे बाइक पे बैठ के थोड़ा कम कूल लगा है। हाँ आप अपने माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। तो आपको मेरे से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आपको इसमें क्या लग रहा है। आप कितने खुश हैं और आपको क्या कहना है इस बारे में। सर मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं वाओ तुम लोग बदल दिए अमिताभ। हाँ बचपन से मेरा ड्रीम था मैं आपको टीवी पे देख के आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रीम कंट्रोल कोई बात नहीं है जी। मेरे को देख के ऐसे कैसे कोई बात हमारे सामने अच्छे अच्छों के पसीने पहला क्वेश्चन आपका ये कहना है केबीसी में